प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कक्षा सातवीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय दो, जिसका शीर्षक है हमारी पृथ्वी के अंदर, भाग एक। तो बच्चों, इस भाग में मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किस ग्रह में रहते हैं, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि हम तो पृथ्वी पर रहते हैं। जी हाँ, तो आज हम इसी पृथ्वी के बारे में देखने जा रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है ये तो आपने पढ़ा ही है, जैसे कि सागर, महासागर, पर्वत। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है ये हम देखेंगे। इसके पहले हम देखें पृथ्वी की सौरमंडल में स्थिति। देखिए, ये हमारे सौरमंडल का चित्र है। इसमें सूर्य सबसे केंद्र में है और बाकी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी कौन से नंबर पे है। पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। पृथ्वी के पहले शुक्र है और शुक्र ग्रह के पहले है बुध ग्रह। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अब पृथ्वी के ऊपर की संरचनाएं, जैसा मैंने बताया आपको कि ये नदी है, पर्वत है, महासागर है, महाद्वीप है। पृथ्वी के अंदर की बनावट को अगर देखें बच्चों, तो देखिए, आपने पपीता तो खाया ही होगा। तो पपीते के ऊपर छिलका होता है, छिलके के अंदर गूदा होता है और गूदे के अंदर बीज वाला भाग होता है। तो कुछ ऐसा ही पृथ्वी के अंदर का भाग होता है। तो सबसे बाहर जो पतला छिलका है उसकी परत तो पतली होती है ना, अर्थात कम होती है। तो वो पतली परत को हम पृथ्वी की परपटी के रूप में देखते हैं। फिर गूदे वाला हिस्सा होता है और ये गूदे का हिस्सा ज़्यादा होता है ना। तो ये जो गूदे वाला भाग है, इसकी तुलना हम पृथ्वी की परत से करेंगे, जिसका नाम है मेंटल। और सबसे अंदर की जो परत है, जो काले रंग में दिखाई दे रही है, जहाँ बीज भरे हुए हैं, उसको हम मान लेते हैं पृथ्वी का क्रोड, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है तीनों में तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा भाग कौन सा है, मेंटल वाला। बच्चों, पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य है, ये तो आपको पता ही है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से जब इसे देखा जाता है तो इसका रंग जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है। और अगर पृथ्वी की परिधि की लंबाई को नापें तो वो है 40,075 किलोमीटर। और सूर्य से इसकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, 14,96,00,000 किलोमीटर। पृथ्वी का उपग्रह भी है, जिसे आप चंदा मामा कहते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर की संरचनाओं से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। नदियाँ, पर्वत, सागर, महासागर, द्वीप और महाद्वीप। पृथ्वी के अंदर की बनावट एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो सबसे बाहर की जो परत है ना, वो जिसे हमने परपटी कहा था, उसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रस्ट। फिर दूसरे नंबर पे जो हमने देखा था उसका नाम तो मेंटल है। और अंदर वाले भाग के यहाँ आपको दो भाग दिखाई दे रहे होंगे, अर्थात क्रोड को दो भागों में बांट लिया गया है। बीच का जो सबसे ठोस वाला भाग होता है उसे इनर कोर कहा गया, और जो उसके जस्ट बाहरी वाला भाग होता है वो हल्का सा पिघला हुआ होता है, तो उसे कहते हैं आउटर कोर। तो कोर के कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। तो सबसे पहली परत हम देखेंगे परपटी या भूपरपटी। तो भूपरपटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। इसकी मोटाई कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा होती है। महाद्वीप वाले हिस्से में, मतलब जहाँ पे पर्वत और पठार होते हैं, उस जगह पे भूपरपटी की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक होती है, जबकि समुद्र वाली जगह में भूपरपटी पतली हो जाती है, क्योंकि बाकी हिस्से में क्या भरा होता है, पानी। तो वो जो पतली परत होती है उसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। अब महाद्वीपीय सतह में कुछ खनिज पाए जाते हैं, तो उनके आधार पे
एक नामकरण किया गया है सीएल, तो सी से बनता है सिलिका और एल से बनता है एलुमिना। तो इन दोनों तत्वों की उपस्थिति है तो इस परत को हम क्या बोल देते हैं, सीएल। दूसरी ओर समुद्री सतह है, वहाँ पे पाई जाती है सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका का सी ले लिया हमने और मैग्नीशियम का मै, तो महाद्वीपीय सतह को हम कैसे नाम देते हैं, सी मै। अब पृथ्वी की दूसरी परत है मेंटल, ठीक है। मेंटल की मोटाई बच्चों 2900 किलोमीटर तक होती है, मतलब पृथ्वी की तीनों परत में सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है, मेंटल का। और पृथ्वी के कुल आयतन का 84% भाग मेंटल के ही अंतर्गत आ जाता है। देखिए फिर से एक बार चित्र, परपटी, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी की सबसे भीतर की परत है क्रोड, यहाँ पर उच्च ताप होता है और दाब भी बहुत अधिक होता है। यहाँ पे जो तत्व पाए जाते हैं वो हैं निकल और फेरस। तो निकल और फेरस को मिलाकर हम इसे क्या नाम देते हैं, निफे। इसकी जो त्रिज्या है वो है 3500 किलोमीटर, और अगर पृथ्वी की सतह से हम पृथ्वी के केंद्र की दूरी को नापें तो वो दूरी होती है 6000 किलोमीटर के लगभग, और दाब और ताप भी उच्च है इसलिए यहाँ तक पहुँचना असंभव है। देखिए यहाँ क्रोड की त्रिज्या हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा है पृथ्वी का केंद्र बिंदु सबसे नीचे है और सबसे नीचे से लेकर बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड दोनों को मिला के जो दूरी है उसे नाप के हमने लिखा है 2900 किलोमीटर। अगर पृथ्वी की तीनों सतहों का विस्तार तुलनात्मक रूप से देखें तो ये आपके सामने प्रस्तुत है। परपटी यानी भूपरपटी का विस्तार मात्र 1% है, जबकि मेंटल का विस्तार 84% है, और रहा क्रोड तो उसका विस्तार है 15%। अब पृथ्वी में क्या होते हैं, शैल होते हैं। शैल का क्या मतलब है बच्चों, चट्टान। चट्टानें आपने देखी है ना, जो पत्थर के टुकड़े आप देखते हैं दरअसल वो चट्टानों के ही तो टुकड़े हैं। तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, मतलब वो मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। शैल का या चट्टान का आकार कई प्रकार का हो सकता है, इसका गठन भी कई प्रकार का हो सकता है, और इसी के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो कितने प्रकार के शैल हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो पहला प्रकार हम देखेंगे आग्नेय शैल। आग्नेय में क्या छुपा है, अग्नि है ना, मतलब अग्नि से कहीं ना कहीं इसका संबंध है। तो पृथ्वी के अंदर हमने देखा कि बहुत ताप है, और ताप और दबाव के प्रभाव से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर का पदार्थ पिघल जाता है और पिघल कर उबलने लगता है। उबलता हुआ खोलता हुआ पदार्थ जिसे कहते हैं मैग्मा, जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पृथ्वी की किसी कमज़ोर सतह से वो बाहर निकल जाता है, और बाहर आने के बाद लावा बन जाता है, और जब ये लावा जम जाता है ठंडा हो जाता है तो क्या बनती है, आग्नेय चट्टान। इसे ही प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अब ये प्राथमिक शैल या आग्नेय शैल, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल और दूसरा अंतर्भेदी आग्नेय शैल। बहिर्भेदी का अर्थ क्या है, बाहर। तो ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर ठंडा होगा तब उससे बने चट्टान को कहेंगे बहिर्भेदी चट्टान, है ना। बाहर निकलकर ठंडा होने से इसके दाने महीन होते हैं अर्थात बारीक होते हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट की चट्टान, भारत के दक्षिण के पठार में बेसाल्ट की चट्टानें मिलती हैं। अब दूसरा प्रकार है आग्नेय शैल का अंतर्भेदी। तो अंतर का मतलब होता है अंदर। तो अब जो मैग्मा है वो ज्वालामुखी के मुख के नीचे नीचे अर्थात
पृथ्वी के अंदर अंदर ही ठंडा हो रहा है, तो अंदर ठंडा होगा तो जल्दी ठंडा होगा कि देर से ठंडा होगा, बताइए? देर से ठंडा होगा। तो धीरे धीरे ठंडा होने से इसके कण बड़े बड़े हो जाते हैं, इसकी संरचना मोटे दानों वाली होती है, इसे ही कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। तीसरा प्रकार है अवसादी चट्टान। अवसाद का मतलब होता है तलछट या छोटे छोटे टुकड़े, ठीक। तो जो बड़े चट्टान हैं वो लुढ़क कर या एक दूसरे से टकरा कर किसी भी तरीके से हवा के प्रभाव से या झरने के पानी के प्रभाव से टूटते हैं, छोटे छोटे कण उसके टूटते हैं और किसी भी जगह पे एकत्र होते हैं, फिर कण टूटते हैं, फिर उस परत के ऊपर जमा होते हैं, तो परत के ऊपर परत जमा होती जाती है, तो इसे ही कहते हैं अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। देखिए, यह है अवसादी चट्टान बनने की प्रक्रिया। इन्हीं छोटे टुकड़ों के ऊपर परत पे परत जमेगी और बाद में कठोर हो जाएगी। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? हमने पृथ्वी की सतह के तीन भाग देखे, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। और हमने देखा कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन कौन से शैल पाए जाते हैं और उनके कितने प्रकार हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कक्षा कार्य। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला प्रश्न, महाद्वीप और महासागर पृथ्वी की खाली स्थान सतह पर होते हैं, ऊपरी सतह पर होते हैं, यही इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को खाली स्थान कहते हैं, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं भूपर्पटी या परपटी। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी के आयतन का सबसे ज्यादा भाग खाली स्थान का होता है, पृथ्वी के आयतन का सबसे ज्यादा भाग मेंटल का होता है। चौथा प्रश्न, शैलों के खाली स्थान प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। और अंतिम प्रश्न है, ज्वालामुखी का लावा ठंडा होकर खाली स्थान चट्टान बनता है, इसका उत्तर है आग्नेय चट्टान। अब बारी आती है गृह कार्य की। तो गृह कार्य के प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, महाद्वीप और महासागर की परपटी में क्या अंतर है? और दूसरा प्रश्न, हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते? कारण लिखिए। तीसरा प्रश्न है, चट्टानों के कितने प्रकार हैं? नाम लिखें तथा किसी एक प्रकार की चट्टान का सचित्र वर्णन करें। प्रश्न चौथा, अपने माता पिता की सहायता से कुछ ऐसे पुराने खेलों के नामों की सूची बनाइए जिसमें चट्टान या पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी आज की कक्षा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।